भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहां के लोकप्रिय और यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री अनिल जैन, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नए साल में उत्तर प्रदेश का ये मेरा पहला कार्यक्रम है। आप सभी को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए भारत के निर्माण के वाहक आप सभी जनों को मैं नमन करता हूं। साथियों, आगरा में आप सभी के बीच आना ये मेरा सौभाग्य है और मैंने जब जब भी यहां आपसे समर्थन मांगा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। आपके सपनों और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का एक ईमानदार प्रयास मैं निरंतर करता रहा हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे। कि मैं इस ईमानदारी के रास्ते पर समर्पण भाव से आपकी और देशवासियों की सेवा करता रहूं। आप सभी के विश्वास और सहयोग का परिणाम है कि सबका साथ सबका विकास का हमारा मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है। थोड़ी देर पहले यहां आगरा के विकास से जुड़ी जिन 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो इसी दिशा में एक अहम कदम है। ये परियोजनाएं मुख्यतः पानी से जुड़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी है, सीवर से जुड़ी है, कनेक्टिविटी यानी आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ी है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जापान द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए मैं जापान का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, आज आप सभी
इस बात से प्रसन्न होंगे कि बरसों पुरानी एक मांग आज पूरी हुई है। पूरे आगरा जनपद से लेकर मथुरा तक पानी की गंभीर समस्या रही है। जो जमीन का पानी है वो ज्यादातर खारा है, जिसके कारण वो पीने के योग्य नहीं रहा है। जिस यमुना जी की धारा ने यहां जीवन की संभावनाएं बनाई, समय के साथ उसी जीवनदायिनी का जल इतना दूषित हो गया वो पीने लायक नहीं रहा। यही कारण है कि अपर गंगा नहर से आगरा की प्यास बुझाने की योजना बनाई गई। आज करीब 3,000 करोड़ रुपए की आगरा जल संपत्ति पूर्ति गंगा जल परियोजना का आप सभी के लिए समर्पित है। इससे इस पूरे क्षेत्र के लाखों परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी मिलने वाला है। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि नमामि गंगे मिशन के तहत यमुना जी की सफाई भी हमारी प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, आगरा की पानी की समस्याओं दूर करने के साथ साथ शहर के सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अब गंगा जल पीने का आपको सौभाग्य मिला है, लेकिन जब पीने का शुद्ध पानी मिलता है तो सिर्फ पानी मिलता ऐसा नहीं है, पानी की कठिनाई दूर होती ऐसा नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव आरोग्य पर होता है, खास करके गरीब जिंदगी जीने वालों के लिए ये सबसे ज्यादा लाभकर्ता होता है। एक प्रकार से आगरा में गंगा जल का पानी पीने को मिले, ये आगरा के उत्तम स्वास्थ्य की एक जड़ी बूटी के रूप में आपके यहां घर घर पहुंच रहा है। उसी प्रकार से पीने का शुद्ध जल आगरा आने वाले टूरिस्टों के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है, कारण बन सकता है। यात्री विदेशों से आने वाला जब वो देखेगा कि गंगा जल का शुद्ध पानी उसे पीने का मिल रहा है तो आगरा में और समय बिताने का उसका मन कर जाएगा। और इसलिए ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग वर्क के रूप में न देखा जाए कि इतने लंबे दूरी से किलोमीटरों से किलोमीटर पाइपलाइन डाल करके पीने का पानी लाया गया। एक प्रकार से पानी नहीं, ये आगरा के जीवन की अमृत धारा है जो आगरा के जीवन को एक नई शक्ति देने वाली है।